तो ईवीएम को लेकर एक बार फिर से वार पलटवार किस तरीके से किया जा रहा है तमाम अलग अलग दलों की ओर से, वो पूरी बयानबाजी को आपने सुना। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, के शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल लोढ़े पाटिल हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजना घाड़ी जी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ है, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के, और साथ ही समीर चौगावकर सर यहाँ पर मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है। अभय दुबे जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। सभी से बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अतुल लोढ़े पाटिल जी आपका रुख करते हुए, आपने ये बयानबाजी पूरी सुनी भी, जिस तरीके से आपके तमाम अलग अलग दलों के आपके सहयोगियों की तरफ से बयान दिए गए, उस पर सरकार के भी मंत्रियों ने नेताओं ने खुलकर सामने आकर के ये कहा कि जब आप चुनाव जीते हैं तो ईवीएम एकदम बढ़िया एकदम ठीक, लेकिन जब आप हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, और एक बार फिर से वही राग आप अलापते हुए नजर आ रहे हैं अतुल जी। देखिए शिरीन जी, चुनाव शुरू हुआ उसके पहले से चुनाव रिक करने की प्रक्रिया बीजेपी ने की, इसे कोई नकार नहीं सकता। सबसे पहले तो चुनाव आयोग के चयन समिति को उन्होंने बदला, जो कि लोकतंत्र पे बहुत बड़ा वार था, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश को हटा दिया वहां से और अपना एक जूनियर मंत्री जूनियर अफसर लाने का बिल आपने पास किया। उसके बाद चुनाव आयोग जो कहते हैं डिजिटल इंडिया बना दिया है, बड़े बड़े दावे मोदी जी करते हैं, बीजेपी सरकार करती है, लेकिन उनको पहला कितना वोटिंग हुआ 19 अप्रैल को वो बताने के लिए उनको कम से कम 11 दिन लग जाते हैं, और 1 जून को जो वोटिंग हुआ है वो उसका आंकड़ा कब बताया, जब गिनती हो गई 4 जून को सब हो गया, 6 जून को उन्होंने आंकड़ा दिया है, और 1,07,00,000 वोट बड़े हैं। 362 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर जो वोट पोल्ड हुए हैं ईवीएम में और जो काउंट हुए या तो कम हुए या तो ज्यादा हुए, 1,07,00,000 वोट जो है ऐसे ज्यादा हुए हैं। और उसके बाद जब एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी दो वो इस पे गुनाह दाखिल करते हैं, इस पे ऑब्जेक्शन लेते हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस पे गुनाह दाखिल करता है, टू वोटो तो होता नहीं है। जबकि मोबाइल जो है वो मोबाइल तो गुरव नाम का जो एनकोर ऑपरेटर है उसके पास होना चाहिए था, फिर वो गया कैसे, तो प्रोटोकॉल के खिलाफ। और दूसरी बात कि ये सब सामने आने के बाद ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है, और फिर एफआईआर में क्या आता है कि एफआईआर में हमने इस तरह से मोबाइल इस्तेमाल किया गया है, उनके खिलाफ हमने गुनाह दाखिल किया है, और उसके ऊपर जाकर पुलिस सीआरपीसी के सेक्शन 41 में एक नोटिस निकालती है। सेक्शन 41 वो है जो बिना मैजिस्ट्रेट के अरेस्ट वारंट निकाल सकते हैं। इतने संगीन चीजें होते हैं और उसके बावजूद आप अगर हमें कहते हो कि आप हम जीते तो आप ऑब्जेक्शन लेते, नहीं जीते तो आप ऑब्जेक्शन लेते नहीं हो, ये बात आप समझ लीजिए। चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र में अहम होती है, लोगों में ये विश्वास पैदा करना इलेक्शन कमीशन का काम है कि जो जिसको, लेकिन अतुल जी कल ही ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपने आपने वंदना जी को सुना, उन्होंने भी ये बात कही, उन्होंने कहा कि ईवीएम का तो मोबाइल से कोई मतलब ही नहीं है, आप ईवीएम को मोबाइल के माध्यम से आप कैसे खोल सकते हैं, ये संभव ही नहीं है, इस बात को तो उन्होंने क्लैरिफाई किया ना कल। देखो दीपा जी, एक बार चुनावी प्रक्रिया खत्म हो गई तो उसके बाद आरओ या कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर इनका कोई रोल होता नहीं इलेक्शन कमीशन में। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए थी इलेक्टोरल ऑफिसर ने, जो इलेक्शन कमिश्नर है महाराष्ट्र के चोक्कलिंगम जी, उन्होंने लेनी चाहिए थी। वंदना सूर्यवंशी का कोई रोल बचता ही नहीं है एक बार चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद, शी इज अ रेवेन्यू ऑफिसर। ये इतने सारी संदिग्धताएं आए हैं, इतने सारे सवालों के वो जवाब नहीं दे पाए हैं, ये स्पष्ट तरीके सामने आया है। एलन मस्क के साथ राजशेखर की जो चर्चा हुई है ट्विटर पर, उस चर्चा में आधी अधूरी चर्चा मीडिया दिखाता है, उन्होंने आखिरी कहा है कि लेट अस वी कैन बी एग्री टू डिसएग्री, ये उन्होंने आखिरी में लिखा है, ये तो छोड़ देते हैं, लेकिन चंद्रशेखर ने कहा है एलन मस्क को कि आओ हम आपको बताते हैं एआई क्या होता है। लेकिन एलन मस्क ने तो अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही थी ना सर, जो ट्वीट किया था वो तो अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में कही थी अतुल जी। देखिए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ईवीएम होता है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ईवीएम होता है, मशीन का इस्तेमाल जो होता है, मशीन के इस्तेमाल के बारे में अगर कहा गया है तो एक पारदर्शिता से सामने आना चाहिए, मशीन में क्या होता है, प्रोग्राम कैसे होता है, चीफ क्या होता है। अगर इलेक्शन कमीशन और सरकार के आड़ में अगर ऐसा कहता हो कि नहीं नहीं आओ आप हमारी ईवीएम चेक करो, लेकिन आप बैलेट यूनिट को हाथ लगा सकते हो, कंट्रोल यूनिट को हाथ नहीं लगा सकते हो, तो संदिग्धता आप पैदा कर रहे हो। आप क्यों नहीं खुलकर सामने आते हो, आप क्यों नहीं ये कहते हो कि चलो ठीक है हम चीफ भी दिखाते हैं किस तरह से होता है। आप बताइए ईसीआईएल में बीजेपी के 4 लोग डायरेक्टर क्यों है,
संदिग्धता हम नहीं पैदा कर रहे हैं, संदिग्धता ठीक है, बहुत सारे सवाल है आपके। अब देखिए, मोबाइल फोन वहां पर उसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था, जो अधिकारी वहां पर स्टाफ में थे उनके मोबाइल का इस्तेमाल क्यों हुआ, उससे क्या किया गया, इसको लेकर तो जांच की जा रही है।